तो भाइयों ये है शंघाई रेलवे स्टेशन, मॉल से बेटर ही है। सामान भी आ गया, बस ये रहा। आज ना थोड़ा सा टाइम से पहले आ गया हूँ। चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिना स्कैन करे समझ नहीं आएंगी। ये रेलवे स्टेशन के अंदर का पार्ट है भाइयों। तो भाइयों ये प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और तो अभी हम देखते हैं कि हमारी जान ऐसे करके अपने कंपार्टमेंट बने हुए हैं। मिडिल सीट खुली भी हुई है तो नीचे लोग आराम से। चाचा भाई साहब, भाई कह रहे हैं आप सबको, ऐसी डिजाइन है कि इस पे जब तक आप बैठोगे तब तक ये खुली रहेगी। कचरा उठाने के लिए ऐसे लेडी आती है पूरा। हाय हाय। ओके, एकदम फ्लाइट की तरह यहाँ पे अटेंडेंट खड़े हैं। और गुआंगझो में उतरते ही भाइयों कुछ तो इंडियंस नजर आते हैं। तो भाइयों मैडम को ना वी चैट चाहिए था, तो मैंने कहा कर लो स्कैन। एक इशू तो बहुत ज्यादा आएगा भाइयों आपको यहाँ पे। भाइयों चाइना जब आओ ना तो अगोड़ा से बुकिंग मत करना। तो भाइयों ये है शंघाई रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमने लेनी है ट्रेन, और ये होगी एक नॉर्मल ट्रेन। 1400 किलोमीटर की जर्नी रहेगी और हमको जाना है यहाँ से गुआंगझो। तो शंघाई से गुआंगझो ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर है और ये 1400 किलोमीटर ये ट्रेन लगभग 15 घंटे में पूरा करने वाली है। थोड़ा सा पहले आ गया हूँ मैं क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा लेट होने से बच गया था। तो अभी अंदर चल के देखते हैं कि ये स्टेशन कैसा होने वाला है। वैसे तो आपको बाहर से नज़र आ ही रहा होगा, किसी मॉल से कम अच्छा आर्किटेक्चर नहीं है इसका, मॉल से बेटर ही है। इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ले ली हुई है इसने। भाइयों ये है शंघाई रेलवे स्टेशन, बस एंट्री लेने लगे हैं अभी, फिर अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या प्रोसीजर होने वाला है। अपने यहाँ से एकदम ही अलग प्रोसीजर है, बाहर ही टिकट आईडी दिखाएंगे तभी इनकी जो एंट्री है वो परमिसिबल है, अदरवाइज तो फिर ये अंदर जा ही नहीं पाएंगे। और ऑटोमेटिक गेट है जैसे हमारे मेट्रो में होते हैं, तो टिकट दिखाओ या तो फिर उनकी जो नेशनल आईडी है वो उससे खुलता है। बस एंट्री होने लगी है भाइयों, आप देख लो ये इनका रेलवे स्टेशन है, शंघाई रेलवे स्टेशन। इधर से चलते हैं क्योंकि पासपोर्ट है मेरे पास, तो पता नहीं थोड़े अलग तरीके से एंट्री होती है पासपोर्ट वाले बंदे की। ये बंदा करेगा भाइयों अपनी हेल्प, अपन इन लोगों की तरह नॉर्मली जा नहीं सकते, तो मैं भाई को पासपोर्ट दूंगा और भाई मेरी एंट्री कर देगा। सामान भी आ गया, बस ये रहा। आज ना थोड़ा सा टाइम से पहले आ गया हूँ क्योंकि पिछली बार ट्रेन छूटते छूटते बची थी हांगझाऊ से शंघाई की, तो इसलिए एक घंटा पहले ही आ गया हूँ। और अबंडेंस ऑफ सनलाइट आ रही है पीछे से। भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिना स्कैन करे समझ नहीं आएंगी, तो स्कैन करके ही देखनी पड़ेंगी। हाँ, आ तो गया है भाइयों कि कहाँ से जा रही है, ट्रेन का नंबर, ट्रेन का टाइम। इंग्लिश में मेरे वाले स्टेशन का तो हो गया कन्वर्जन, गुआंगझाऊ ईस्ट, वेटिंग हॉल 6। उसके बाद वाली लाइन स्टेटस का है, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है, टाइम पे ही होगी। ये रेलवे स्टेशन के अंदर का पार्ट है भाइयों, मतलब ये रेलवे स्टेशन के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जो आपको ऐसा फील देंगी कि आप किसी एयरपोर्ट के अंदर ही घूम रहे हो। और इनके सारे रेलवे स्टेशन ही ऐसे हैं। मैं गुआंगझोंग वाले स्टेशन पे था, वुहान में था, हांगझोंग में था, अभी शंघाई में हूँ। इनका एयरपोर्ट से ज़्यादा बेटर मुझे लगता है स्टेशंस है, तो इसलिए मैंने भी स्टेशन से ही ट्रैवल करना ज़्यादा प्रीफर किया। वैसे भी थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है फ़्लाइट में, 2 घंटे पहले जाओ, फिर 1 घंटे पहले आप खुद से प्रायोरिटी लेके चलते हो, 3 घंटा पहले हो जाता है, बेटर है फिर 4-5 घंटे इनका ट्रेन का टाइम ही होता है इधर उधर का, तो ट्रेन के टाइम से आप चले जाओ। खाने पीने के आइटम और साफ़ सफाई एक नंबर है भाइयों स्टेशन पर। भाइयों देखो पॉपुलेशन इस कंट्री की हमारे जितनी ही है, अभी अभी हमने पीछे छोड़ा है बसेस को। तो ये है वेटिंग हॉल नंबर 6, मेरी ट्रेन है Z99 1727 पे। तो ये काफ़ी बड़ा लाउंज लग रहा है भाइयों, ये एक लाउंज है ऐसा, ऐसे पता नहीं कितने लाउंज होंगे। तो भाइयों ऐसा कुछ अंदर का वॉशरूम दिखता है, मैं पूरा तो दिखाऊंगा नहीं आपको क्योंकि इट्स नॉट गुड टू टेक माई फोन इन टू वॉशरूम फॉर वीडियोग्राफी। तो जितना दिख सकता था आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसा रेलवे स्टेशन का इनका
टॉयलेट रहता है राइट भाई। ऐसे करके लाउंज नंबर 6 के बाद दोबारा से जो एंट्री हुई है उसके बाद ऐसे करके एक कॉरिडोर है जिससे हम नीचे जा रहे हैं। पूरा ऐसे ही फील आ रहा है जैसे किसी एयरपोर्ट से फ्लाइट के गेट की बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। तो भाइयों ये प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और प्लेटफॉर्म पे ट्रेन कुछ कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। ये यहाँ की नॉर्मल ट्रेन है जो हमारे यहाँ पे जैसी ट्रेन्स होती हैं वैसी वाली नॉर्मल ट्रेन है। पता नहीं क्यों प्लेटफॉर्म पर ये दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो प्लेटफॉर्म देखने में बड़ा ही शानदार लग रहा है शंघाई रेलवे स्टेशन का। और हर एक डब्बे पे एक चेकिंग के लिए एक टीटी खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है लेडी जो आपको टिकट चेक करके ही अंदर जाने देगी। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी कौन सी सीट है। हमारा जो कोच नंबर है वो है 6। आप प्लेटफॉर्म की ब्यूटी देख लो, मेस्पराइजिंग सा व्यू। ऐसा लग रहा है कि किसी यूरोपियन कंट्री में खड़ा हूँ मैं। तो मेरी ये टिकट मुझे कोई 3,200 की या 3,000 के आसपास की पड़ी और ये ट्रेन मुझे शंघाई रेलवे स्टेशन से गुआंगझो तक लेके जाएगी। ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर की जर्नी है और ये जर्नी हम 16 घंटे में कवर करने वाले हैं। तो अब मैं अपनी सीट इनको चेक कराता हूँ, टीटी को, मैडम को। पासपोर्ट डन। भाइयों अभी एंट्री ले लेते हैं ट्रेन में। तो ट्रेन अपने को कुछ कुछ ऐसे दिख रही है अंदर। सीट नंबर 15 15। तो भाइयों ऐसे करके अपने कंपार्टमेंट बने हुए सीट्स के। 15 अपर बर्थ मेरी है, ये मिडिल है और ये लोअर है और दोनों ही साइड पे आपको ऐसी सीटें मिलने वाली है। तो जब मैंने अपना सामान यहाँ रखा तो ध्यान दिया बाद में मैडम ने, एक नीचे मैडम बैठे उन्होंने बताया कि ऊपर ऊपर बर्थ के आगे कैसे जगह है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। तो ये वाले मैडम ने मेरी हेल्प की तो मैंने इनकी हेल्प से सामान ऊपर रख लिया। अभी लोग ट्रेन में ऑलमोस्ट सेटल हो गए हैं। ये बेसिन है यहाँ पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 लोग एक साथ खड़े होके जो है अपना मुंह हाथ धो सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। इंडिया ओके। भाई साहब ये कह रहे हैं कि इंडोनेशिया और इंडिया एक जैसे ही इनको शायद लगता है, इसलिए वो कंफ्यूज थे। इंग्लिश। तो बस भाइयों अभी बस सीट की तरफ जाने लगा हूँ, मुँह हाथ धो लिया एक बारी ताकि ऊपर की सीट पे आराम से बैठ के या लेट के जो है अपना बाकी काम किया जाए। अंदर जो है ये हार्ड स्लीपर है और एक इनकी सॉफ्ट स्लीपर होती है। तो सॉफ्ट स्लीपर में शायद ये मेरे हिसाब से जैसे अपने यहाँ पे सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में होते हैं तो 3 की बजाय उसमें शायद 2 ही सीट्स होती होंगी। एक भाई इधर काफ़ी देर से खड़ा हुआ है बेसिन पे, पता नहीं क्या गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है, यहीं खड़ा होके नेटवर्क आ रहा है या क्या इशू है, लेकिन यहीं खड़ा हुआ है। तो भाई ऊपर की सीट ऐसे कुछ है, एक तकिया है और उसके साथ में ओढ़ने के लिए कुछ रजाई टाइप है या छोटा सा पतला सा ब्लैंकेट टाइप है। और मेरे सामने वाली चीज सीट पे चचा लेटे हुए हैं, सामान मैंने वहाँ रख दिया। तो नीचे भाइयों इतनी कंफर्टेबल जगह तो होती है कि अगर मिडिल सीट खुली भी हुई है तो नीचे लोग आराम से खा पी सकते हैं, बैठ सकते हैं। जैसे वो मैडम अपना काम कर रहे हैं, भाई साहब अपना खाना खा रहे हैं और मिडिल सीट खुली हुई है। तो अपने यहाँ की ट्रेन से बस यही चीज़ अलग है कि जो सामने की साइड लोअर साइड अपर होती है वो इसमें है नहीं, उसकी जगह पे इन्होंने एक स्टैंडिंग सीट टाइप बनाई हुई है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो सामने वाली सीट्स हैं उनको कैबिनेट मिल गया सामने सामान रखने के लिए और इसके अलावा थोड़ी कंफर्टेबल हो गई हैं सीट्स। तो चलो भाई ट्रेन चल पड़ी है, मैं भी सो जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि बाद में कल और परसों काफ़ी घूमना है। तो आप सब लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाइयों अभी जग गए हैं और बस ट्रेन जो है गुआंगझो पहुंचने वाली है, आधे घंटे का और टाइम है और फिर गुआंगझो पहुंच जाएगी। नेहा चाचा भाई साहब भाई कह रहे हैं आप सबको। और भाइयों ये सीट कुछ ऐसी डिज़ाइंड है कि इस पर जब तक आप बैठोगे तब तक ये खुली रहेगी और जैसे ही आप बैठ के हट जाओगे अपने आप ही बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो साइड की सिस्टम सीट की सही है, मतलब कोई भी उठ के जाएगा तो ऐसे नहीं कि सीट खुली हुई है, सीट ऑटोमेटिकली अपने आप ही बंद हो जाएगी। भाइयों कचरा उठाने के लिए ऐसे लेडी आती है, पूरा कचरा उठा के लेके जाती है।
स्लीप बेड लेके जाती है और पीछे वॉकी टॉकी भी लगा रहता है, मतलब फुल प्रोफेशनल। सिक्योरिटी ऑफिसर है भाई, वो ये कह के जा रहे हैं कि स्टेशन आने वाला है, अब आप सारे लोग उठ जाओ, अपना सामान देख लो। मेरे हिसाब से ऐसे ही कुछ कह रही हैं। स्टेशन एकदम आ गए और सारे के सारे लोग निकल रहे हैं। हाय हाय। तो भाई वो फटाफट फटाफट निकलते हैं, होटल पहुँचते हैं और कैंटोन फेयर अटेंड करते हैं। ओके, एकदम फ्लाइट की तरह यहाँ पे अटेंडेंट खड़े हैं और बोल रहे हैं कि थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद अस। तो अभी ये जो ट्रेन की जर्नी थी हमारी समाप्त हो गई है। ये हमने शंघाई से ली थी और गुआंगझो तक थी ये ट्रेन। और ये ट्रेन ना एक नॉर्मल ट्रेन थी, ना ये बुलेट ट्रेन थी, ना ये सेमी बुलेट ट्रेन थी, ये एकदम नॉर्मल ट्रेन थी। लेकिन इसने भी 1400 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने में सिर्फ 16 घंटे लिए हैं, मतलब अच्छी रफ्तार से चली है और शंघाई से गुआंगझो टाइम पे ही आ गई है। भाई वो अटेंडेंट पूरी हेल्प करते हैं किसी की भी, जैसे ये थोड़े से ओल्ड मैन है तो बाहर नहीं निकल पा रहे, तो पूरी की पूरी हेल्प की जा रही है उनकी। दूसरी तरफ भाई एक बुलेट ट्रेन खड़ी हुई है, ये हमारी ऑर्डिनरी ट्रेन। गुआंगझो में उतरते ही भाई कुछ तो इंडियंस नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ कैंटोन फेयर लगता है तो बहुत सारे लोग कैंटोन फेयर अटेंड करने आते हैं। जैसे ये चार लोग जो चल रहे हैं आगे, ये चारों इंडियन लग रहे हैं, चारों पांचों। तो भाइयों मैडम को ना वी चैट चाहिए था, तो मैंने कहा कर लो स्कैन, क्या दिक्कत है, बस वी चैट लेके स्कैन कर लिया है। निहाओ, चलिए ओके बाय शीशे बाय। एक इशू तो बहुत ज़्यादा आएगा भाइयों आपको यहाँ पे, अगर कभी भी आपका इंटरनेट काम करना बंद कर दिया ना और आप कहीं बीच में खड़े हो, तो आपको समझ नहीं आएगा जाना कहाँ है, क्योंकि इंटरनेट काम करेगा नहीं, मैप काम करेगा नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में कहाँ पे जाना है, फिर आप वहीं पे 2-3 घंटे बर्बाद कर दोगे। तो ये एक थोड़ा चैलेंज है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के आना। आधे घंटे का रास्ता 2-2.5 घंटे में बदल जाता है जब यहाँ पे मैप काम नहीं करता और आपको पता ही नहीं लोकेशन कहाँ है, तो आप जाओगे कैसे। 2 घंटे से मैं होटल ही ढूंढ रहा हूँ, इंटरनेट एक्चुअली काम सही से करता नहीं, कभी बीच में करता है कभी नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा इशू है इंटरनेट का, मैप का, लैंग्वेज का। आपको कहीं आपके होटल का नाम लिखा हुआ भी दिखेगा लेकिन अगर चाइनीज़ में तो आप जाओगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, हर बार स्कैन करके देखना पड़ेगा। तो ये कुछ इशूज़ हैं जो आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे अगर आपने चाइना आना है तो। बड़ी मुद्दतों के बाद मिला है होटल, मतलब आधे घंटे का रास्ता 3 घंटे में बदल गया, क्योंकि मैप काम नहीं कर रहा, इंटरनेट काम नहीं कर रहा। तो पैदल पैदल चला, कुछ कोई बस ली इधर उधर करके, पता नहीं कैसे कैसे करके होटल आ गया फिलहाल। भाई चाइना जब आओ ना तो अगोड़ा से बुकिंग मत करना, एकदम घटिया प्लेटफॉर्म है। 2 जगह होटल बुक किया है और दोनों जगह इतने इश्यूज आए हैं, एक जगह तो डिनाई कर दिया, दूसरी जगह पे अभी होटल वालों को कंफर्म नहीं हो रहा है कि मेरी कोई बुकिंग है, तो अगोड़ा वालों से ही कॉल पे बात चल रही है, होल्ड पे डाला हुआ है। तो अगोड़ा से नहीं करना, अगर चाइना कभी आना है तो यहाँ पे trip.com बहुत चलता है, trip.com चलता भी है और आपको स्काई स्कैनर पे भी trip.com ही मिलेगा। तो trip.com से अगर आप होटल करोगे दैट विल बी मच मोर कन्वीनियंट। फाइनली आई गॉट माई रूम, जैसे तैसे करके अगोड़ा से सर मार मार के रूम तो मिल गए, ठीक ठाक ही लग रहा है। ये कोई 2200-2300 रुपये का है भाई होटल, और 3-star होटल है और ठीक ठीक है मतलब, बट अगोड़ा से बुक अब नहीं करूँगा मैं, गलती हो गई है अगोड़ा से बुक करके ना, अब नहीं करना आगे बुकिंग। तो ठीक ठीक होटल है, युफांग होटल है, पनियो स्क्वायर गुआंगझो के अंदर। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।